Hey guys, how are you all? Fit and fine? Okay, so in this video we will continue the chapter number 3 of class 11th physics, motion in a straight line. पिछले वीडियो में हम लोगों ने acceleration को पढ़ लिया था, उसके ऊपर examples भी solve किए थे हम लोगों ने. तो जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि इस वीडियो में आप लोगों को ज्यादा समझ में आए. तो काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आज हम देखेंगे कि कौन कौन से इक्वेशंस हैं जो हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में किस चैप्टर का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर का हेल्प करे. ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किसको बोलते हैं? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करे तो उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना? तब चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सा इक्वेशंस है फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. काइनेमेटिक इक्वेशंस आर देखिए फर्स्ट कौन सा है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. एंड व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी है. कोई ना भी बोल रहा होगा, नहीं है. चलिए कोई बात नहीं. चलिए ये है इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी. a है आपका एक्सेलरेशन, एंड t है आपका टाइम. सेकेंड इक्वेशन है आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. एंड a क्या है आपका? डिस्टेंस. ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताएगा. ठीक है, v मैंने बता दिया फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, एंड s इज डिस्टेंस. थर्ड इक्वेशन है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, एंड t अगेन द टाइम. टाइम का स्क्वायर हो गया. ये तो बात हो गई. अब अगर आपसे डिस्टेंस पूछता है कि nth सेकेंड में, कोई भी nth सेकेंड दे दिया, n पे कोई नंबर हो तो n का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लीजिए, 10, 9, 5 कुछ भी, तो हो जाएगा 5th सेकेंड, 9th सेकेंड, 10th सेकेंड. उसका डिस्टेंस ट्रेवल पूछेगा कि 10th सेकेंड में या 9th सेकेंड में या 5th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना था वो बताइए. तब आप ये इक्वेशन यूज करेंगे. ठीक है, ये इक्वेशन यूज होगा, n का वैल्यू जो भी दिया रहेगा यहां पुट कर देंगे और ये आपका हो जाएगा. अब है कि बोलता है कि ब्रेक सप्लाई करके एक बॉडी को रोक दिया गया, लास्ट में इनिशियल वेलोसिटी वो चला, कुछ इनिशियल वेलोसिटी था उसके पास, 2 मीटर, 4 मीटर पर सेकेंड जो भी था, तो वो चला, लेकिन लास्टली ब्रेक सप्लाई हुआ या फिर कोई भी सिचुएशन आया जिसके कारण बॉडी स्टॉप कर गया, तब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो. फाइनल वेलोसिटी यानी वी जीरो हो जाएगा. तब आपका s डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस पूछेगा कि तब डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ जब ब्रेक सप्लाई हुआ तो बॉडी स्टॉप कर गया, फाइनल वेलोसिटी. अपने आप वो क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, अपने आप खुद से सोच लेना है कि स्टॉप कर गया यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, क्योंकि अब तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है उसके आगे, तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा ना. तो सीधे डिस्टेंस ट्रेवल पूछेगा आपका, तो यू स्क्वायर बाई 2a. ये वाला इक्वेशन आप डायरेक्ट लगाकर निकाल देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड.
ये क्वेश्चन इस इक्वेशन से निकाला गया है. ठीक है. When brakes are applied, when brakes are applied to stop the moving body, final velocity becomes zero. तो ये था आपका काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग. आइए देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स. फर्स्ट है आपका, इफ द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज जीरो. अगर कोई बॉडी का मोशन स्टार्ट करता है रेस्ट से, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है यानी इनिशियली वो रेस्ट में था, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. सेकेंड है आपका, इफ द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट आफ्टर द मोशन देन फाइनल वेलोसिटी इज टेकन एज जीरो, दैट इज वी इज इक्वल टू जीरो. अगर बॉडी स्टार्ट किया किसी इनिशियल वेलोसिटी से, मोशन किया, कुछ दूर तक मोशन किया, उसके बाद वो रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट में जब आ जाता है तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो, यानी वी इज इक्वल टू जीरो. वी से हम लोग डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी को. थर्ड है आपका, इफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम देन एक्सेलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इफ वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव. अब है कि आपका वेलोसिटी टाइम के साथ अगर इंक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव, वेलोसिटी अगर टाइम के साथ डिक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव. ठीक है. अब है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मोशन जो बॉडी का होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा. तब स्ट्रेट लाइन का जो मोशन होगा बॉडी का, उसमें हम लोग जो काइनेमेटिक इक्वेशंस देखे उनको सीधे सीधे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. कोई वेक्टर लॉ का यूज नहीं करना, किसी वेक्टर का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. डायरेक्टली हम उस इक्वेशन पे पुट करके, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा बस इक्वेशन पे पुट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो ज्यादा इसमें झंझट वाला काम नहीं है आपका, और बस एक साइन कन्वेंशन कन्वेंशन वाला प्रॉब्लम है कि अगर टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो नेगेटिव होगा, टुवर्ड्स राइट हो रहा है वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है अगर कोई बॉडी तो टुवर्ड्स राइट अगर जा रहा है फ्रॉम एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव होगा, राइट में नेगेटिव होगा, लेफ्ट में अपवर्ड्स में पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड्स में नेगेटिव होगा. बस यही साइन कन्वेंशन लगाना है आपका इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी के साथ. ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी पे ही निकल जाता है, तो बस यही करना है, साइन कन्वेंशन का यूज करना है, कोई वेक्टर का यूज नहीं करना है. डायरेक्टली काइनेमेटिक इक्वेशन जो हम लोगों ने देखा सीधे उस पर पुट करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे. ये था आपका की पॉइंट्स. नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल्स पे मूव ऑन करें. फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, टू कार्स स्टार्ट ऑफ अ रेस विद वेलोसिटीज 2 meters per second एंड 4 meters per second ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 meters per second square एंड 1 meter per second square रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम. डिस्टेंस पूछ रहा है अगर दोनों कार एक टाइम पे पहुंचते हैं और एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं और वेलोसिटीज दोनों का क्या है 2 meters per second एंड 4 meters per second और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 meters per second square और 1 meter per second square. तो इसमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे, लेकिन ए वन और यू वन और एस वन ये फर्स्ट कार के लिए है. ठीक है, फर्स्ट कार के लिए. तो इसमें क्या हो जाएगा, एस वन इज इक्वल टू यू वन क्या है 2 meters 2 into t प्लस हाफ इंटू क्या दिया हुआ है 2 meters per second square यानी 2 into t का स्क्वायर 2t + t square.
ठीक है ना। हाँ चलिए, अब एस टू है आपका, एस टू हो जाएगा यू टू टी प्लस हाफ ए टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा यू टू क्या है, फोर इंटू टी प्लस हाफ वन इंटू टी स्क्वायर, यानी फोर टी प्लस हाफ टी स्क्वायर बाय टू। अब इन दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, इक्वेटिंग वन एंड टू, क्यों? क्योंकि दोनों का s इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस में रेस दोनों कार लगा रहा है, इसलिए s1 इज इक्वल टू s2, तो सीधे 2t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t प्लस टी स्क्वायर बाई टू। यहां से आपका t आ जाएगा 4 सेकेंड। अब t आपका 4 सेकेंड आ गया, तो इसको s वाले इक्वेशन में रख दीजिए। तो s1 क्या था, 2 इंटू फोर, टू टी है प्लस टी स्क्वायर है, इसलिए फिर 4 का स्क्वायर यानी 8 प्लस 16 24 मीटर। तो s1 और s2 दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू एस टू इज इक्वल 24 मीटर। यही है आपका सॉल्यूशन। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 5th सेकेंड। तो n सेकेंड वाला हम फॉर्मूला यानी इक्वेशन लगा लेंगे, n सेकेंड वाला तो क्या था, u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। तो u क्या हो जाएगा, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जीरो प्लस हाफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है और 5th सेकेंड में पूछ रहा है। एटीन मीटर, ठीक है, आ गया इसका सॉल्यूशन, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, अ कार वॉज मूविंग एट अ रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड इट कम्स टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, कैलकुलेट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में हम लोगों ने रिटार्डेशन को भी डील किया था, ठीक है। और मैंने काइनेमेटिक इक्वेशंस बताते समय बताया था कि जब कोई क्वेश्चन में बोलेगा कि ब्रेक सप्लाई हुआ है और बॉडी जो है रेस्ट में आ रहा है फाइनली, तो क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है, यानी v इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही बोल रहा है कि ब्रेक सप्लाई हुआ है और फाइनली कार रेस्ट में आ रहा है, तो v इज इक्वल टू जीरो। यू आपका 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस आपका मीटर में है, इसलिए मीटर में चेंज कर लीजिए, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। उसके बाद s यानी डिस्टेंस आपका 100 मीटर दिया हुआ है। तो मैंने इक्वेशन बताया था कि अगर v इज इक्वल टू जीरो यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है तो डिस्टेंस निकालने बोलेगा, तो डायरेक्ट इस इक्वेशन पे पुट कर लीजिएगा, बताया था ना मैंने, ठीक है। तो रिटार्डेशन पूछ रहा है यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। अब a निकालना है तो माइनस यू स्क्वायर बाई टू एस कर दीजिए। अब माइनस 5 इंटू 5 बाई 2 इंटू 100, एस का वैल्यू यू का वैल्यू,
520 जा 100 और 20 तो 1 - 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका रिटार्डेशन निकल गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है।